एक शख्स था जो कि कहते मैं पॉइंट देख रहा था और नोबडी वाज एट माय होम। मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होकर देख रहा था तो अचानक दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहते मैं लैपटॉप बंद करके मेरा ना दिल जो है ना धड़कना शुरू हो गया और मैं डर गया। इट वाज माय कैट। कहते मुझे इतनी शर्म आई कि आलमुल गैब व शहादा मुझे देख रहा था, वाह मुझे उससे हया नहीं आई, अपनी पेट सर बिल्ली से मैं डर गया। और वल्लाही ये जो चीज़ है ना वो पॉइंट से बड़ा गुना ये था कि आप किसी इंसान से डर गए, किसी इंसान के आने पे आपने लैपटॉप बंद करके रख दिया या मोबाइल फोन को ऐसे कर लिया और आप आलिमुल गैब व शहादा से नहीं इट डरे। शोज योर अकीदा ना कि दिस मैन इज वाचिंग मी एंड यू डोंट थिंक द सेम अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट अल्लाह इज आल्सो वाचिंग यू। हम जस्ट इमेजिन करना कितने दरख्त हैं, यार क्या कमाल इल्म है उस ज़ात का, और कितनी मखलूकात हैं, ज़र्रात हैं, चूंटियां हैं, लेकिन वो एक पत्ते को जानता है। और उलमा तफसीर में बयान करते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो पत्ता जो है इस तरफ या इस तरफ गिरेगा। जब वो जानता है फिर मेरे और आपके आमाल नहीं जानता, वो आपके आंसू को नहीं जानता। फिर अगर आप अपना आंसू बहाते हैं, अगर आप उसकी याद में रोते हैं या इस पॉइंट की वजह से आंसू बहाते हैं और कहते हैं यार अब मेरी बस हो गई है, मुझे तू निकाल, मैं एफर्ट करूंगा, कोशिश करूंगा निकालना है मुझे, तूने हिम्मत तूने देनी, और आप आंसू बहाते हैं, तो वो जो आंसू है ना वो उसको अच्छी तरह जानता है, जो पत्तों से भी जानता है। अल्लाह आज के दौर में ना, आज के दौर में मैं समझता हूँ जितना बड़ा ये फितना है ना, इस फितने से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से बंदा की खास रहमत ही है जो बंदा अल्लाह। मैं बताऊँ ये जो पानी है ना, सब पानी एक तरह के नहीं होते। ये पानी इसके पूरे पूरा समंदर भी ले ना आप, ये जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकते, लेकिन एक आंख से निकला हुआ जो पानी है ना ये पूरी जहन्नम की आग को बुझा देगा। ये एक कतरा जो आपकी आंख से निकले ना, दिस इज मोर वैल्यूएबल देन द ओशंस वल्लाही। मैंने अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं ना वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, तो अल्लाह ताला ने ट्रेट्स बयान किए। अल्लाह ताला ने कहा कि मदद तलब करो अल्लाह ताला की दो चीज़ों से, सब्र से वो जो पहले आपने एक्सप्लेन कर दिया और नमाज से। तो मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि अगर तो हम कमिटेड है ना बहुत ज्यादा कि यार हमने छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है मोटिवेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये आने के बाद ना उसूल बना लें कि 5 वक्त की जो नमाजें हैं ना ये आपने मस्जिद में पढ़नी है और अजान होते ही आपने पहुंच जाना है। अगर आप ये रूटीन स्टार्ट करते हैं ना इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह ताला दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड अल्लाह ताला आपको ऐसे निकाल देंगे।